वेलकम बैक टू द ईएलएस न्यूज। तो आइए आज बात करते हैं मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को मिल रही है कितनी सीटें, बीजेपी आईएनसी और अन्य में से किसकी बनेगी सरकार, किसका बनेगा मुख्यमंत्री 60 विधानसभा सीटों में से। तो ये जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने ईएलएस न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। अच्छा, तो बात करते हैं कि 60 विधानसभा सीटों वाले मेघालय में कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी एनडीपी के पास इस समय कुल 20 सीटें हैं। इसके अलावा पिछले चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के पास यानी कि पीडीपी को 8 सीटें थी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास यानी कि पीडीएफ के पास 2 सीटें थी और भाजपा के पास भी 2 और अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी और ममता बनर्जी के पास टीएमसी के पास 9 सीटें थी। इसके बाद भी ये विपक्ष में रही। हालांकि 2018 के बाद विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत हासिल करके कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बिल्कुल नहीं छू पाई। इसके बाद भाजपा ने एनपीपी को समर्थन दिया और कॉनराड संगमा राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो चलिए वही बात करते हैं मेघालय के पहले जिले पूर्व गोरो हिल्स के बारे में बात करते हैं। तो कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3 जिले से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वही बात करते हैं पूर्व जयंतिया हिल्स के बारे में। तो इसमें कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से हमने 5 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 2 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्व खासी हिल्स के बारे में। 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 10 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं उत्तरी गोरो हिल्स की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 60 विधानसभा सीटों में से मेघालय की 27 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 9 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं दक्षिणी गोरो हिल्स की 3 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से हमने 30 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें और आईएनसी खाते में 10 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी हिल्स की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 33 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी हिल की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 11 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम गोरो हिल्स की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं हमने बात कर ली है मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 23 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम जयंतिया हिल्स की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं कि मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से हमने 51 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 23 सीटें जा सकती है और आईएनसी पार्टी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिमी खासी हिल्स की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं कि मेघालय की 56 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने है। तो बीजेपी खाते में 26 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 16 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की रेवाई हिल्स की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों की। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 31 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं हमने मेघालय राज्य के चुनाव का ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे दिया है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय जवाहर, वंदे मातरम, जय किसान।